जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जहां पर प्रश्न संख्या 266 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें कि यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और 1D एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुल 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 266 दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स है, यह कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स देश ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सबसे पहले इसे याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका जैसा विकल्प नहीं दिया, यहाँ पर महासागर की दृष्टि से दिया है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये पूर्वी अफ्रीका में सोमाली सागर के तट पर स्थित है और सोमाली सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगर मान के चलिए ऐसा विकल्प नहीं दिया होता, अफ्रीका महाद्वीप को विभाजित किया होता पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो आप पूर्वी को सही करते, और महासागरों में अगर मान के चलिए कोई छोटे सागर दिए होते तो आप सोमाली सागर को टिक करते। हाँ, एक बिंदु और याद रखना है कि सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ये भी अगर कभी पेपर में बन जाए कि सेशेल्स की राजधानी क्या है, तो ये विक्टोरिया है, इसे याद रखिएगा। और सेशेल्स में जो करेंसी चलती है ये रुपया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 267 दिया है। बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, यह किसके किनारे स्थित है? बेरूत बंदरगाह लेबनान का प्रमुख बंदरगाह है, ये बिंदु याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किसके किनारे है, तो ये भूमध्य सागर के किनारे, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 268 दिया। इसराइल देश की सीमा किस देश से नहीं लगती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और लीबिया। तो देखिए, जो इसराइल है, इसराइल मान लीजिएगा ये इसराइल है ना, इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों तरफ अलग अलग देश स्थित है। तो इसके नॉर्थ में है लेबनान, तो देखिए लेबनान यहाँ पर दिया तो ये उत्तर नहीं बनेगा। इसके साउथ में है जॉर्डन, तो यहाँ पर जॉर्डन भी दिया तो जॉर्डन भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसके ईस्ट में जो कंट्री है ये है सीरिया, तो सीरिया भी यहाँ पर दिया, ये उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, तीन विकल्प जब एलिमिनेट हो गए तो लीबिया इसका सही उत्तर बन जाएगा। लेकिन अब ये पॉइंट उठता है कि इसके वेस्ट में कौन सा देश है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके वेस्ट में मिस्र। तो देखिए, इसराइल के चारों तरफ अलग अलग देश है, इसके नॉर्थ में कौन है, लेबनान है, इसके साउथ में कौन है, जॉर्डन है, इसके ईस्ट में कौन है, ईस्ट में है सीरिया, और वेस्ट में कौन है, मिस्र है। अब इसराइल के कैपिटल की बात करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जेरूसलम, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 269 मतलब 269, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुश किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो माउंट एरबुश है ये रास आइलैंड पर स्थित है, और रास आइलैंड कहाँ स्थित है, ये अंटार्कटिका पे है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसे इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्स को जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए, ताकि ये ऑफर का फ़ायदा आपको मिल सके। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 270 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध का मतलब है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। देखिए, ऐसे कंट्रीज जिनके चारों तरफ भूमि क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलिए एक देश है ए,
इसके चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर है ना, ये सब मान लीजिए बी है, ये भी एक स्थल है, सी भी स्थल है, डी भी स्थल है, ई भी स्थल है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी जल क्षेत्र नहीं होता, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसमें बोलिविया इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अब यहां से एक बिंदु आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जितने मान्यता प्राप्त देश है उसमें 47 लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, है ना। अब जैसे भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, याद रखिएगा। मोदी जी अभी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं, तो ऑस्ट्रिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, है ना। नेपाल अपना पड़ोसी है इसलिए नेपाल का नाम आपको याद रखना चाहिए, और अभी वर्तमान में मोदी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर है ना, तो ये बिंदु याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 271 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा और जिब्राल्टर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बेरिंग, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 कोल डैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। तो देखिए आपको बताना है कोल डैम जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश की नदी को आपको चयनित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, जैसे नर्मदा है ना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। गोमती और सरयू, ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, है ना, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज है, तो सतलज इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 273, भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना है। तो भारत का जो पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन है, देखिए सोलर की बात हो रही है तो राजस्थान इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 274 दिया है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। तो यहाँ पर चार देश दिए गए, चार देश कौन कौन से, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, यमन, सूडान। देखिए सऊदी अरब, यमन और सूडान, इन तीन देश की सीमा लाल सागर से लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान, इसकी सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 275, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। तो जो भारत का पहला न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है ये स्थापित किया गया था तारापुर में, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तारापुर। प्रश्न संख्या 276 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें दिया केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, दूसरा दिया केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। देखिए चमड़ा अनुसंधान संस्थान बिल्कुल सही है, औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी सही है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी सही है, लेकिन जो ये रिसर्च सेंटर दिया किसका, ईंधन का, ये धनबाद में, धनबाद का मतलब ये झारखंड में है न कि भोपाल में, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 272 दिया है, 277 विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन से। यहाँ पर दाल मतलब पल्स की बात की जा रही है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, उपभोक्ता मतलब जो इसको कंज्यूम करता है, और आयातक मतलब जो इसका इंपोर्ट करता है, तो ये तीनों है भारत। जो दाल से, दाल्स को लेग्यूम कहते हैं, है ना, लेग्यूम कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी कुल में इन्हें रखा गया। तो लेग्यूम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसके बाद कंज्यूमर और इंपोर्टर है, ये इंडिया है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 278 दिए, जूट के संदर्भ में गलत विकल्प चुने, मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला पॉइंट दिए, जूट के मौसम में के दौरान गर्म और उच्च आर्द्रता जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जूट का जो उत्पादन होता है ये गर्म और उच्च आर्द्रता में ही होता है, तो पहला ही पॉइंट गलत दिया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ लेते हैं, दिया है जूट के को उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता, बिल्कुल ये तो सही है, है ना। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है, है ना। जूट MSP व्यवस्था में शामिल है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए, क्योंकि यही सही नहीं दिया था, यही उत्तर शामिल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 279, यहाँ पर ये दिया है किस राज्य में कुल ब्लेड मीथेन की उच्चतम संसाधन है। देखिए यहाँ पे कुल ब्लेड मीथेन की बात किया जा रहा है ना, मतलब कुल मतलब कोयला, अगर कोयले की बात आएगी तो कोयला का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भारत में कौन है, भारत में झारखंड है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, झारखंड। 280 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई में तीसरी सबसे अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप इसे कमेंट करके बताइएगा, 280 नंबर के क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, इसका सही उत्तर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 281 दिया है ना,
इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए इवेंट होराइजन इसका संबंध है ब्लैक होल से, तो इसका नाम किसने नहीं सुना होगा भाई, इवेंट होराइजन। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो देखिए ओशिनिया महाद्वीप जो है इसे चार भागों में विभाजित किया गया। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है ऑस्ट्रेलेशिया, है ना, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को रखा गया, तो ये याद रखिएगा, है ना। आगे दूसरा है मेलानोशिया, है ना, मेलानेशिया, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और चौथा है पोलिनेशिया। तो ये चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबका नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 दिया, सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला दिया है प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 284 में। यहाँ पर दिया पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपको बताना है कि पॉइंट पेड्रो किस देश में। तो यहाँ पर देखिए नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पॉइंट पेड्रो ये श्रीलंका में स्थित है। विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी, ये कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 दिया, निम्नलिखित में से आए आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें जो आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया है कि सिनबंग ज्वालामुखी, सुमात्रा इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया देश है। साफ्रियर कैरिबियाई द्वीप, ये भी सही है ना। नेरागोगो ज्वालामुखी, ये विरुगा राष्ट्रीय उद्यान कांगू गणराज्य, ये भी सही है। सेमरू और ज्वालामुखी, ये न्यूयॉर्क में। देखिए सेमरू जो है ना ये ईस्ट जावा में स्थित है, ईस्ट जावा। और ईस्ट जावा, देखिए जावा का नाम आ गया तो ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, बाकी आगे के सही दिए। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 286, कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में मदद नहीं कर सकती, ये गलत दिया है। क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में भी मदद करती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं 278 और 7, सही कथन चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि स्थल मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल वायुम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती रहती है, ये भी सही है। देखिए जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र में मरुस्थल निर्मित हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 288, महाद्वीपी बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। महाद्वीपी बहाव सिद्धांत ये वेगेनर ने दिया था, तो यहाँ से इनके इसका प्रतिपादन किसने किया था ये महत्वपूर्ण है। और ये दिया गया था 1912 में, तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 289 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पटी में उनकी प्रचुरता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे अधिक तत्व कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो सबसे अधिक तो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है और चौथे नंबर पर आयरन है। तो ये सब इसके सिंबल्स लिखेंगे। देखिए कौन है, देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, विकल्प ए ही सही दिख रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 290 और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, देखिए बहिर्जात, बहिर्जात का मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पर निक्षेप, पटल विरूपण, अपक्षय, ये तीनों बहिर्जात है। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, अपरदन नहीं होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 25 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताइएगा। अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आपको इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर,
जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।